15 तारीख की 2 शिफ्ट का पेपर हो चुका है और अभी जानते हैं जरा पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर कैसा हुआ? अच्छा। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? मेरे 75। क्या टफ लगा आपको? GS थोड़ी मतलब वैसी है, मतलब ठीक है, लेकिन जिसकी लैंग्वेज है वो टफ है। और मैथ कैसा आया? मैथ ठीक है। और रीजनिंग कैसी? रीजनिंग भी अच्छी। और कंप्यूटर? कंप्यूटर भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। तो कौन सा पोर्शन से टच करा इन्होंने कंप्यूटर में? एक्सेल वगैरह पूछा? सारा जो है एमएस वर्ड एक्सेल दोनों। फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं? फुल फॉर्म कोई से नहीं, सारा जो है जो मतलब आपको जैसे फाइल है तो फाइल के अंदर कौन से ग्रुप होते हैं, सिर्फ नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, 75 आपका अच्छा हुआ। चलो ठीक है। सर कैसा हुआ पेपर? सर बढ़िया हुआ पेपर। कितने क्वेश्चन करें? 88 अटैम्प्ट करें सर मैंने। 88 तो मैथ में कितने हुए? तो 15 out of 15 हो गए। 15 हो गए पूरे। रीजनिंग में कितने हुए? रीजनिंग में एक गलत हो गया सर। रीजनिंग में एक गलत हो गया। 24। और उसमें कंप्यूटर में? कंप्यूटर में 2 छोड़े हैं, 8 हो गए। 2 छोड़े 8 हो गए। और रीजनिंग में? रीजनिंग में आपका एक गलत, रीजनिंग में एक गलत हो गया। अच्छा। और GS में 35 अटैम्प्ट किए। GS में कहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन? GS में सर स्टैटिक का ज़्यादा पोर्शन आ रहा है। स्टैटिक का आ रहा है? हाँ, 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, वन लाइनर ज़्यादा पूछ रहे हैं। और स्टैटिक में भी गेम से और मेलों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। गेम से करंट अफेयर क्या रोल रहा? करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन थे। 6 से 7 पॉलिटी में? पॉलिटी में सर पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आए। एक आर्टिकल का था। आर्टिकल का? हाँ, आर्टिकल का था एक। और एक क्वेश्चन था संसद वगैरह से। अच्छा। हाँ, संसद रिलेटेड। और आपका हिस्ट्री वगैरह? हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से? अच्छा। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आए। 4 क्वेश्चन? हाँ। तो कितने क्वेश्चन करें? 88। हाँ, टोटल 88। पेपर ओवरऑल कैसा लगा? पेपर ओवरऑल ईजी है, बाकी थोड़ा वो GS का मान लो। GS का? हाँ। तो मैथ में कौन कौन से पोर्शन से पूछे गए? मैथ में परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सर। परसेंटेज से ज़्यादा थे? हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज के हैं। लावानी से? हाँ, लावानी से 2 क्वेश्चन थे। और डिस्काउंट से? डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन था, बाकी एक SIC आएगा था। एक SIC आएगा। मेंस रिजल्ट? और आपका मैथ सर 2D से पूछे गए? हाँ, 2D से नहीं था सर, 3D से क्वेश्चन आ रहे हैं। 3D से क्वेश्चन? 3D से, वो भी सिलेंडर से। अच्छा जी सर। कंप्यूटर में क्या लग रहा है? कंप्यूटर में ज़्यादा पोर्शन जो आ रहा है सर MS Excel और MS Word से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, इंटरनेट वगैरह क्वेश्चन आया था? इंटरनेट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया मेरी वाली शिफ्ट में, तो बाकी 4 क्वेश्चन मेरे MS Word से थे और 3 क्वेश्चन MS Excel से थे। 3 क्वेश्चन MS Excel? हाँ। फुल फॉर्म वगैरह? फुल फॉर्म नहीं थे। और बाकी बेसिक? बाकी बेसिक में से 1 क्वेश्चन आया था बस, शॉर्टकट की पूछी थी वो। तो ओवरऑल पेपर आपका सही हुआ सर? जी सर। मैंने 85। तो मैथ कैसा लगा? मैथ पिछली बार के मुकाबले तो बहुत हल्का है जी। मैथ तो आसान आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। और रीजनिंग? रीजनिंग बढ़िया आ रही है। 25 क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन हो गए? 25 के 25 हो गए रीजनिंग में तो। 25 के 25 हो गए। और आपका इसमें कंप्यूटर में? कंप्यूटर में मैं नौकर का। नौकर? कहाँ से पोर्शन पूछा गया? पोर्शन तो वही है MS Excel ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन उसके थे। तो बेसिक पूछ रहे हो उसका? हाँ, बेसिक कुछ क्वेश्चन डीपली भी थे 2-3। हर एक क्वेश्चन उससे भी था नेटवर्क से। नेटवर्क से? हाँ जी, उसका वेब ब्राउजर का। और GS में कहाँ से पूछ रहा है? GS में? GS में वही इकोनॉमिक्स भी है, सब चीज़ है। अच्छा, इकोनॉमिक्स। पॉलिटी? पॉलिटी के थे 1-2 क्वेश्चन थे। और अल्पसंख्यक वाला क्वेश्चन पूछ रखा था। अच्छा अच्छा। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से भी है क्वेश्चन। ज्योग्राफी? ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं देखा। स्टैटिक ज़्यादा पूछी गई है? हाँ, स्टैटिक ज़्यादा है। और ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। ज्योग्राफी से कोई नहीं दिखा क्वेश्चन। अच्छा। और आपका इसका मैथ में कौन सा पोर्शन परसेंटेज वाला पूछा? कौन सा पोर्शन? मैथ में परसेंटेज भी था, लावानी भी था। लावानी का क्वेश्चन था? लावानी का था। और CISI का? चोर पुलिस वाला था। अच्छा। और एक साधारण ब्याज क्वेश्चन था और एक CISI का अंतर वाला क्वेश्चन था। एक दोनों के अंतर? हाँ जी। और आपका रीजनिंग में फिगर वाले? रीजनिंग में फिगर सबसे ज़्यादा थी। एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का था। सिटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन? हाँ जी। और आपका ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह? हाँ, 2 क्वेश्चन उसके थे। 2 क्वेश्चन? हाँ जी, उसके 2 क्वेश्चन थे उसके। और आपका इसमें ठीक है। तो आपका 88 क्वेश्चन? हाँ जी। 85। चलो 85 आपका बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। 85। मैंने तो भाई 77 किए। 77। तो मैथ कैसा रहा? मैथ तो ठीक था। मैथ ठीक। कितने क्वेश्चन करे मैथ में? मैथ मैंने 13 करे। 2 एडवांस के ना हुए भाई, बस मेरे 2 एडवांस के नहीं हो पाए। अच्छा। और रीजनिंग में कितने करे? रीजनिंग में 25। 25 हो गए रीजनिंग में। और कंप्यूटर कैसी आई? कंप्यूटर भाई थोड़ा मेरा तो ऐसे वीक था, सही था मतलब बहुत ईजी था, पेपर ज़्यादा टफ ना था। अच्छा। GS कहाँ से पूछे गए? GS भी थोड़ी ईजी थी, हार्ड ना थी।
अच्छा मतलब कहाँ से पूछा गया, पॉलिटिक्स आया था क्वेश्चन? हाँ पॉलिटिक्स क्वेश्चन आया था, आर्टिकल वो 17 से रिलेटेड आर्टिकल पूछा। 17 अच्छा, अल्पसंख्यक वाला। हाँ और एक आर्टिकल 13 पूछा। अच्छा अच्छा। और आप सरली था, ज़्यादा टफ ना था? ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से भाई मुझे ज्योग्राफी से तो था क्वेश्चन, तो था एक दो क्वेश्चन था। और आपका इसका हिस्ट्री का? हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। पेपर दिया था भाई आपने? और तुम पूछ लो भाई। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद।